अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज़ डॉक्टर मौजम आई एम कंसल्टन नेफ्रोलॉजिस्ट आज हम डिस्कस करेंगे गुर्दे और उससे रिलेटेड बीमारियों के मतलब आज मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो कि किसी भी बंदे को पता होनी चाहिए ताकि उसके मुताबिक हम इलाज कर सकें उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि गुर्दों की बीमारियों की वजह क्या बनती है तो उसमें जो दो तीन चीज़ें देखी जाती हैं सबसे पहले वो ये कि आपकी शुगर का मसला तो नहीं है डायबिटीज़ तो नहीं है नंबर वन काज़ ये हो सकता है जो गुर्दों की बीमारी की वजह बन सकता है दूसरा जो काज हो सकता है वो है ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर का होना जो कि हमारे गुर्दों को नुकसान दे सकता है इसी तरीके से थर्ड नंबर पे जो चीज़ आती है वह गुर्दों के अंदर पथरीों का होना जो कि हमारे गुर्दों को नुकसान दे सकता है फोर्थ नंबर पे कंजेनेटि डिजीज़ आती हैं जो कि आपकी मोरूसी बीमारियां होती हैं जो कि हमारे गुर्दों को नुकसान दे सकती हैं तो इसलिए ये कुछ ब्रॉडर क्लासिफिकेशन की जाती है ताकि हम सबको पता हो कि गुर्दों की बीमारियों की असल वजह क्या हो सकती हैं तो ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी जो कि गुर्दों की बीमारियों की वजह बन सकती हैं हम डिस्कस करते हैं फर्दर कि हमारे जो गुर्दों की बीमारी हैं इसका हमें कैसे पता चलेगा कि ये गुर्दे की बीमारी हो रही है या नहीं हो रही है कैसे वेलुएट किया जाएगा तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर कोई अपनी चीज़ों को असेस कर सकता है लाइक अगर आपकी शुगर या डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो बहुत ज़्यादा आ रही हो 300 प्लस रीडिंग्स चल रही हो आपकी तो इसका मतलब ये कि हमारे शुगर कंट्रोल नहीं है और वो अल्टीमेटली हमारे गुर्दों को नुकसान दे सकती है इसी तरीके से आप ब्लड प्रेशर को चेक करते रहेंगे ये सिंपल घर में मॉनिटरिंग की जा सकती है सब चीज़ों की ब्लड प्रेशर चेक करते रहेंगे और अगर आप देखते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर 150 ऊपर वाला और नीचे वाला 90 से ऊपर जा रहा है तो इस मीन के ब्लड प्रेशर भी हमारा अच्छा मैनेज नहीं हो रहा तो हम उसको भी ज़रा अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकें इसी तरीके से अगर कोई पथरीयों की बीमारी हो रही है तो ये देखा जाए कि यूरन के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रही हैं हमारे किडनीज के अंदर पेन तो नहीं हो रही है तो फिर उसका भी अल्ट्रासाउंड और यून का टेस्ट करा के उसको भी एवेलुएट कर लिया जाए तो ये बेसिक्स हैं जो चीज़ें घर में हम की जा सकती हैं इसी तरीके से कुछ इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं जो कि बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं यूरन का टेस्ट करवाना उससे पता चल सकता है गुर्दों की बीमारियों का इसी तरीके से कुछ गुर्दों के फंक्शन के टेस्ट होते हैं जिसको रीनल फंक्शन टेस्ट कराते हैं वो आप करा के देख सकते हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि गुर्दों की बीमारियाँ हो रही हैं या अर्ली स्टेज में या किस स्टेज़स के अंदर है अब मैं आपको ना ब्रॉडली क्लासीफाई कर देता हूँ हमारे गुर्दों की बीमारियाँ जौन सी हैं उसकी मुख्त क्लासेज़ होती हैं क्लास वन होती है क्लास टू होती है थ्री फोर एंड फाइव होती हैं क्लास वन टू थ्री तक माशाल्लाह सब चीज़ें ठीक चलती रहती हैं पता नहीं चलता सिम्टम्स नहीं आते इसी तरीके से जब क्लास फोर या फाइव स्टार्ट होती है तो बेसिकली उस वक्त पता चलता है चीज़ों का कि चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं तो ऐसी सूरत के अंदर जो मैंने आपको बताया था गुर्दों के फंक्शन का टेस्ट वो जरूर करवा लीजिए उससे पता चल सकता है कि हमारे गुर्दों की काम करने की सलाहियत कैसी है और उसके अकॉर्डिंगली आपकी चीज़ों का फिर केयर की जा सकती है अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो स्टेज मैं आपको बता रहा हूँ क्लास फोर या फाइव आ जाती है तो उसकी टिपिकल मैनेजमेंट्स हैं तो आपको उसको नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना होता है ताकि गुर्दों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब आपको बेहतर गाइड कर सकें कि हमने आगे कैसे मैनेज करना चीज़ों को और कैसे कैसे कंट्रोल करना है तो आज का जो आपके लिए लेसन होगा टेक होम मैसेज वो सिंपल ये होगा कि अगर आपको शुगर है तो उस पर स्ट्रिक्टली मोनिटरिंग करते रहें और उसके ऊपर नजर रखें ब्लड प्रेशर है तो उसको लाजमी कंसिडर करते रहें उसको देखते रहें किस रेंज में ब्लड प्रेशर चल रहा है तो अगर आप ये दो तीन चीज़ों पर अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं तो इन आपके गुर्दों की बीमारियों से हम आपको बचाव कर सकते हैं और चीज़ें सेफ रहती हैं थैंक यू